दोस्तों आप सभी का मैथ बाई सारसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डियर फ्रेंड सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर वीडियोज। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाई सारसर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको आने वाले एग्जाम जो HSC का डी ग्रुप का है उसके लिए कुछ विशेष स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप अपने एग्जाम को कैसे क्लियर कर पाओगे। सबसे पहले दोस्तों, एग्जाम में बैठने से पहले ही आपको एक विश्वास अपने अंदर जगाना है कि मैं अब की बार इस टेस्ट को जरूर क्लियर करूंगा। ऐसी कोई भी भावना मन में मत आने देना जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो। जब भी दोस्तों आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचो तो अच्छे से खाना पीना करके जाएं, क्योंकि टाइम इसका बहुत कम है। अगर आप एग्जाम के दौरान ही फ्रेश होने जाते हो या पानी पीने जाते हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो दोस्तों, जैसे ही एग्जाम सेंटर के आसपास पहुंचो आप तो अपने आप को अच्छे से तैयार करो और उस भीड़ को देखकर अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दो। आप ये सोचो कि मैं अब की बार एग्जाम क्लियर करूंगा, मेरा तो एग्जाम पक्का क्लियर होगा। इसी थॉट को, इसी विचार को अपने दिमाग में हर 5 मिनट में रिपीट करते रहो कि मैं एग्जाम क्लियर करूंगा। इससे आपके चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी और वही पॉजिटिव एनर्जी आपको एग्जाम क्लियर करवाएगी। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर के अंदर जाते हो तो एक रिलैक्स मूड से, रिलैक्स माइंड से आप अपने आप को ये महसूस करवाओ कि हाँ आपका एग्जाम क्लियर है। यानी कि दोस्तों, इस बात का मतलब ये है कि आप इंट्री से लेकर एग्जाम सीट पर बैठने तक आपके मन में यही बात होनी चाहिए कि मैं एग्जाम क्लियर करूँगा। और दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूँ यही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम क्लियर करवाएगा। बहुत सारे बच्चे काफ़ी टाइम तक कोचिंग लेते हैं, बहुत सारी तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा बुक पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। दोस्तों, उसका रीज़न यही है कि वो एग्जाम में बैठने से पहले अपने आप को दबाव में महसूस करते हैं और वही दबाव, वही स्ट्रेस उनको एग्जाम क्लियर करने से रोक देता है। दोस्तों, आप इस समस्या से बचने के लिए बस मैंने जो बताया आपको कि आई विल डू दिस, या मैं इसको करूँगा, मैं, मेरा एग्जाम पक्का क्लियर होगा, इसी विचार को अपने दिमाग में बार बार रिपीट करते रहना, मैं गारंटी से कहता हूँ। क्योंकि दोस्तों, एक चीज़ है, आप इतना पढ़ते हो, इतनी कोचिंग लेते हो तो आपके पास नॉलेज तो है, बस तरीका है उसको अच्छे समय पे यूटिलाइज करने का। उस थॉट्स को, जितने भी थॉट्स आपने अपने दिमाग में क्रिएट किए हैं वो सही टाइम पे यूज़ हो रहे कि नहीं हो रहे। दोस्तों, यही एक एग्जाम क्लियर करने का अच्छा मेथड होता है। बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम क्लियर करते हैं वो अपने विचारों को उसी टाइम यूज़ करने के एबल होते हैं, और दोस्तों जिनका एग्जाम क्लियर होता वो अपने विचारों को उस टाइम यूज़ करने के एबल नहीं होते। तो आपको सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि आप जैसे ही सीट पे बैठ जाते हो अपने, तो जब आप अपने जो क्वेश्चन पेपर बुक लेट उसको खोलोगे, दोस्तों प्रैक्टिस तो हम बहुत करते हैं लेकिन फिर भी हमारा टेस्ट है जो क्लियर क्यों नहीं हो रहा, कभी आपने सोचा इसके बारे में? इसका रीज़न मैं बताता हूँ। आप लोग दिन रात प्रैक्टिस करते हो, कोचिंग लेते हो, बहुत सारी बुक पढ़ते हो, लेकिन फिर भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये था दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही कमज़ोर है। इसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में ही हम अपना टेस्ट है वो क्लियर नहीं कर पाते। दोस्तों, कितनी प्रैक्टिस होने के बाद भी हमारा टेस्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, इसका सबसे अहम रीज़न यही है कि आप अपना कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हो। तो दोस्तों, इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए जो सबसे मास्टर की है वो यही है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो, और ये आपको दोस्तों खुद ही करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैंने इतनी कोचिंग ले रखी है, इतनी पढ़ाई कर ली है, इतना सेल्फ स्टडी किया है तो अब की बार तो मेरा टेस्ट क्लियर होगा। दोस्तों, इसी के ऊपर मैं आपको एक अच्छा थॉट बताता हूँ कि इंसान या कोई भी लगा लो जो प्लेयर होता है, जो स्विमिंग करता है, वो फर्स्ट टाइम जब पानी में उतरता है तो डूबता है, हाथ भी मारता है, पाँव भी मारता है, अपना सिर भी लाएगा, पूरे बॉडी को लाएगा, लेकिन फिर भी वो पानी में डूब जाता है। दोस्तों, महसूस किया क्यों? और कुछ समय के बाद जब उन इंसान को तैरना आ जाता है, तैरना मतलब वो प्रैक्टिस करता दिन रात उसके अंदर, और फिर एक स्टेज ऐसी आती है वो अपने हाथ भी नहीं मारेगा, पैर भी नहीं मारेगा और बिल्कुल भी नहीं लाएगा, फिर भी नहीं डूबेगा। इसका रीज़न क्या है दोस्तों? यही है कॉन्फिडेंस। यानी वो कॉन्फिडेंस इसको तैराता है, कॉन्फिडेंस इसको पार लेके जाता है। जब इंसान को तैरना आता है, या जितने भी दोस्त हैं, कैंडिडेट हैं, जिनको तैरना आता है वो मेरी बात को बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे कि जिसको तैरना आ जाता है वो पानी में बिल्कुल हाथ पैर नहीं मारेगा, बिल्कुल आराम से ऊपर सो जाएगा पानी को, और वो फिर भी नहीं डूबेगा। दोस्तों, ये क्यों तैर रहा है? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस उसको तैरा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस है उसको ऊपर उठा रहा है। तो
दोस्तों यही एग्जाम में करना, आपको कॉन्फिडेंस ऐसा बनाओ कि आपको एग्जाम से बिल्कुल ऊपर उठा दे, यानी आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसी सब विचारों के साथ दोस्तों आप सभी को अपने टेस्ट क्लियर करने की मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। अच्छे से जाएं, अच्छी तैयारी करके जाएं, अच्छे माहौल में अच्छे दोस्तों के साथ जाएं, ताकि वहाँ पर भी आपका दिमाग पॉजिटिव मार्ग में ही पॉजिटिव तरीके से ही चले। इन सब के साथ दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।